आदाब नाजरीन, क्या है मौसम का हाल और क्या रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल, ये बताने के लिए साहिल आपके सामने हाजिर है खिदमत। हसब रिवायत सबसे पहले बात करेंगे वादिया कश्मीर की। वादिया कश्मीर में आज पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में कहीं कहीं जगहों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी देखने को मिली और महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 14 जनवरी से मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए तो थी कश्मीर की बात, अब रुख करते हैं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर। श्रीनगर में भी आज आसमान में बादल छाए रहे, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर में आज दिन का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चले नाज़रीन अब रुख करते हैं काजीगुंड की ओर। काजीगुंड में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। काजीगुंड में आज दिन का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब रुख करते हैं पहलगाम की ओर। पहलगाम में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पहलगाम में आज दिन का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा की बात करें तो कुपवारा में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कुपवारा में आज दिन का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए नाजरीन अब रुख करते हैं टूरिस्ट पॉइंट गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में बर्फबारी अभी देखने को मिल सकती है। गुलमर्ग में आज दिन का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए नाजरीन ये तो थी कश्मीर की बात, अब रुख करते हैं जम्मू की ओर। जम्मू में भी आज आसमान में बादल छाए रहे, वहीं पर बाद दोपहर हल्की बारिश भी देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों में बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू में आज दिन का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब रुख करते हैं बान्हल की ओर। बान्हल में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बान्हल में आज दिन का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोटोत की बात करें तो बोटोत में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों में अभी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बटोत में आज दिन का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए नाजरीन अब रुख करते हैं कटरा की ओर। कटरा में आज आसमान में बादल छाए रहे, वहीं पर हल्की बारिश भी देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों में बारिश देखने को मिल सकती है। कटरा में आज दिन का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब रुख करते हैं भद्रवाह की ओर। भद्रवाह में भी आज हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में अभी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। भद्रवाह में आज दिन का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चले नाजरन अब रुख करते हैं लह की ओर। लह में एक बार आज फिर से हल्की बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लह में आज दिन का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब रुख करते हैं चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ में जहां सुबह सुबह धुंध देखने को मिलती है, वहीं पर बाज़ दोपहर आसमान में हल्के बादल छाए रहे और आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहने के इम्कानात है। चंडीगढ़ में आज दिन का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी सुबह सुबह धुंध देखने को मिलती है, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में आज दिन का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिंक सिटी जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज मौसम साफ रहा, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। जयपुर में आज दिन का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब रुख करते हैं सपनों की नगरी यानी मुंबई नगरी की ओर। मुंबई में भी आज मौसम साफ रहा, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में मौसम साफ रहने के इम्कानात है। मुंबई में आज दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन ये थी अभी तक की मौसम की ताज़ा जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश दुनिया की अनगिनत खबरें। बहुत सारी प्रोग्रामिंग, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।